पूर्व राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष व हमीरपुर कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री अनीता वर्मा ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि गत वर्ष भाजपा के अंदर एक पत्र बम का विस्फोट हुआ था, जिसमें भाजपा के ही एक वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री द्वारा अपनी ही सरकार को घेरा गया था और स्वास्थ्य विभाग में हो रहे भ्रष्टाचार पर सवालिया निशान खड़े किए हैं। वहीं अनीता वर्मा ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जहां उस पत्र के माध्यम से भ्रष्टाचार को उजागर करने वाले भाजपा नेता के खिलाफ FIR करवा दी और आरोपित स्वास्थ्य मंत्री को पदोन्नत कर पुरस्कृत कर दिया। अनीता वर्मा ने कहा कि भाजपा सरकार ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज उठाने वालों को दंडित और भ्रष्टाचारियों को पुरस्कृत करने की नई परंपरा को जन्म दिया है। भाजपा सरकार में स्वास्थ्य विभाग में कोरोना महामारी के दौर में उजागर हुए घोटाले ने तो प्रदेश को पूरे विश्व में शर्मसार कर दिया है। साल हो गए हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि हर साल कोई ना कोई भ्रष्टाचार उनका सामने आ रहा है, और वो भी भ्रष्टाचार ज़्यादा हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से हमारी नज़र में आया है। पिछले साल एक लेटर बॉम्ब निकला था, जो उनके ही एक वरिष्ठ नेता और मंत्री थे, उन्होंने उसको उजागर किया था। लेकिन अफसोस की बात है कि जो आपके बीजेपी के नेता थे उनके ऊपर FIR दर्ज हुई, और जिसने उसको सर्कुलेट किया था उसके ऊपर भी केस हुआ। कुछ बीजेपी की जो अपने नए ढकोसले हैं, ये बड़े आश्चर्यजनक हैं कि जो भ्रष्टाचार करता है उसको बचाया जाता है और उसको किसी न किसी तरीके से और आगे लाया जाता है, क्योंकि ये जो पत्र बम था ये हेल्थ डिपार्टमेंट के तहत था, और जिनके ऊपर ये उंगली उठाई थी उनको तो सरकार ने पदोन्नति कर दी, लेकिन जो दूसरे थे जिन्होंने इसको आगे लाकर दिखाया कि ऐसा कार्ड हुआ है, उनके ऊपर कार्रवाई की गई। वहीं अनीता वर्मा ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग का जिम्मा CM जयराम ठाकुर के पास है, कथित घोटाले को लेकर CM जयराम ठाकुर को नैतिकता के आधार पर त्याग पत्र देना चाहिए। वहीं भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल का इस्तीफा लेकर इस पूरे प्रकरण को दबाने का षड्यंत्र किया जा रहा है, जिसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत के साथ आवाज उठाएगी। वहीं अनीता ने बीजेपी की होने वाली वर्चुअल रैली पर भी कड़ा हमला बोला है। वर्मा ने कहा कि बीजेपी सरकार आपदा को अहमियत नहीं देती, बल्कि बीजेपी अपनी पावर को बरकरार रखने का प्रयास करती है। फिर उसके बाद CM साहब कह रहे हैं कि ये जो PP किट्स आए, ये जो थर्मल आपके स्कैनर आए, ये डमी थे। मतलब आप क्या प्रैक्टिस कर रहे हो कि भाई पहले आप डमी चीजें ला रहे हो, फिर आप जो असली चीजें हैं उनको लाओगे, तो आप पैसे की हिमाचल प्रदेश की बर्बादी क्यों कर रहे हैं? आज हम ये मांग करते हैं कि आपने अगर कदम लिया है, जिसने वीडियो बनाया है, आपने कदम लिया है जो डायरेक्टर है हेल्थ डिपार्टमेंट का, लेकिन सवाल ये है कि आज इस डिपार्टमेंट का मंत्री कौन है? हमारे मुख्यमंत्री जो है वही इस डिपार्टमेंट को देख रहे हैं, तो कांग्रेस सरकार यही, कांग्रेस की जो पार्टी है वो यही प्रश्न पूछ रही है और यही कह रही है कि आपके मुख्यमंत्री क्यों नहीं नैतिक आधार पर ये जिम्मेवारी अपने ऊपर लेते, और क्यों नहीं वो नैतिक आधार पर अपना इस्तीफा देते। हम ये चाहेंगे कि इस पूरे कांड की जो जांच है वो हाई कोर्ट के किसी सिटिंग जज से हो, वो इसकी पूरी कार्रवाई करे, और अगर वो कार्रवाई करने में सक्षम नहीं है तो CBI को ये केस दिया जाए, ताकि इसमें हमें पता लगे कि दूध का दूध और पानी का पानी क्या है। वहीं अनीता वर्मा ने कहा कि बिहार में BJP की रैली हुई, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री ने अपना वक्तव्य दिया, लेकिन BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा को मंच पर बोलने का मौका तक नहीं दिया गया। वहीं अनीता वर्मा ने BJP को नसीहत देते हुए कहा कि BJP रैलियों पर पैसा खर्च न करे, बल्कि कोरोना महामारी के इलाज पर पैसा खर्च करे। BJP को कोई भी आपदा आ जाए उसके बारे में वो नहीं सोचती है, वो सोचती है कि हम पावर से बाहर ना जाएं। अब आप बताइए कि बिहार में उन्होंने एक रैली की जिसमें अमित शाह जो गृह मंत्री हैं उन्होंने भाषण दिया,
और हमारे नड्डा साहब जो कि पूरे हिंदुस्तान के बीजेपी के अध्यक्ष हैं वो सेकंड लाइन में खड़े रहे। बड़ा अफसोस होता है, माना वो पहाड़ी आदमी है पर पहाड़ी आदमी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। जो अध्यक्ष है उसको आना चाहिए आगे और उसको भाषण देना चाहिए। तो ये जो आपने LED के जो बड़े बड़े ये लगाए थे वहाँ पर इस रैली को करने के लिए, वो पैसा कहाँ से आ रहा है? उस पैसे का कहाँ से आप लाने की कोशिश कर रहे हो? कैसे प्रयोग हो रहा है? अब ये जो फिर से रैली हो रही है इसमें भी आपके LEDs लगाए जाएंगे, इसमें भी पैसा खर्च किया जाएगा। तो आप जो ये पैसा यहाँ पर खर्च रहे हो इससे अच्छा आप स्वास्थ्य कर्मी, डॉक्टर्स और हमारे जो कोरोना के इतने सारे मरीज हो रहे हैं उनके बेहतरी के लिए खर्चे, उनकी दवाइयों के लिए खर्चे, तब तो हम कहेंगे। तो मैं समझती हूँ कि हम निंदा करते हैं अगर ये ऐसी रैली कर रहे हैं, और अगर ये इतना पैसा खर्चेंगे तो हम भी सड़कों पर आकर इसका विरोध करेंगे।